So guys, अभी आपने जिस तरह की वीडियो को देखा है उस तरह की वीडियो बनती तो आईफोन से की, लेकिन आज मैं आपको सेम टू सेम वीडियो आपके एंड्रॉइड फोन में बनाने से पहले वाला हूँ, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन में। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। पहली एप्लीकेशन है दोस्तों कैपकट। इस एप्लीकेशन को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक में क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से कैपकट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और आपको प्ले स्टोर से एक वीपीएन डाउनलोड करना है जिसका नाम है सुपर वीपीएन। इसको अपने फ़ोन में आप कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बैक हो जाना है, हो जाएंगे। आपको अपनी कैपकट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको दोस्तों क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट फोटो वाले ऑप्शन में जाएंगे और में क्लिक करके अब जिस भी फोल्डर में आपकी फोटोस होंगी वहां आपको चले जाना है। यहां से आपको अपनी एक अच्छी सी फोटो सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको ऐड का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां से आपको लास्ट में आना है तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा रेशियो का। आपको रेशियो में क्लिक करके यहां से आपको 9:16 जो अपने रील्स का साइज होता है उसको ऐसे करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। और फोटो में क्लिक करके अपनी फोटो थोड़ा सा कर लेंगे जूम इस तरीके से। ये करने के बाद दोस्तों लास्ट में आपको एक वाटरमार्क लगा हुआ मिलता हैगा, उसको यहाँ से अपन कर लेंगे डिलीट। डिलीट करने के बाद आपको अपनी फोटो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेना है इस तरीके से। इस तरीके से आप अपनी फोटो की लेंथ बढ़ा लेंगे। ये करने के बाद दोस्तों नीचे आपके एक ऑप्शन मिलेगा ऐड ऑडियो। अब इसमें अपन को म्यूजिक ऐड करना है, ठीक है, जो साउंड जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। ऐड ऑडियो में क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको जहाँ भी आपका साउंड होगा ना वहाँ पर आपको चले आना है। तो देखो दोस्तों याली वीडियो को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया साउंड के लिए, तो चैनल को जाइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको कैपकट भी डाउनलोड कर लेना है और इस वीडियो को भी साउंड के लिए डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आपको सिंपली से अपनी इस वीडियो में क्लिक कर लेना है। नीचे आपको लिखा मिलेगा इम्पोर्ट साउंड ओनली, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपको जो साउंड है आपकी वीडियो के नीचे आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है तो जहाँ तक आपका साउंड रहेगा वहीं तक आपको अपनी वीडियो रखना है इस तरीके से। स्प्लिट मार्क जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है उसको ऐसे कर देंगे लीड। डिलीट मार्क के बाद दोस्तों जो मेरा म्यूजिक है अभी मैं उसको क्या कर देता हूँ, वॉल्यूम इसकी पूरी जीरो कर दूंगा ताकि एडिटिंग में डिस्टर्ब ना जाए, ठीक है। ये करने के बाद आपको मैं अब बता दूँ आगे करना क्या है। तो आपको दोस्तों एक सेकंड के लिए यहाँ पर आगे आना है, थोड़ा सा जूम करके यहाँ से आप एक सेकंड के लिए आगे आएंगे। यहाँ पर ऊपर आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा एक सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, अपनी फोटो में क्लिक करके एक स्प्लिट मार देना है। स्प्लिट मार देंगे, स्प्लिट मारने के बाद दोस्तों आपके फोटो के दो भाग हो गए, तो आपको फर्स्ट वाले पार्ट पर आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको दोस्तों इफेक्ट्स का ऑप्शन मिलेगा नीचे फिल्टर्स के बाजू में, आपको इफेक्ट्स पर क्लिक करना है। और यहाँ से आपको बीच बीच ऑप्शन मिलेगा बॉडी इफेक्ट्स, इसमें आपको कर देना है क्लिक। क्लिक कर देंगे तो यहाँ से नीचे आपको ट्रेंडिंग वाला ऑप्शन मिलेगा, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑप्टिकल वाला, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना है दोस्तों इस तरीके से। तो देख सकते हैं आपको फोटो में एक लाइन आती है जो आईफोन में भी आती है, ठीक है। ये करने के बाद आप इसका कलर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो आपको कलर चाहिए, ठीक है। ये कर देंगे। ये करने के बाद इसकी थोड़ी सी रेंज आप दोस्तों कम कर देंगे इस तरीके से, और अगर कुछ फिल्टर इसमें लगता है तो उसको भी पूरा जीरो कर देंगे और टिक पे क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों अपन को क्या करना है, तो जो अपना फर्स्ट वाला पार्ट है फोटो का सिर्फ उसमें आपको यहाँ इफेक्ट करना है। ये करने के बाद दोस्तों आपको अपने जो सेकंड पार्ट है ना उसमें भी क्लिक करना है, उसमें भी एक इफेक्ट लगाना है। तो उसमें भी सेम आप आ जाएंगे बॉडी इफेक्ट्स पे इस तरीके से आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ से आपको एक और मिलेगा स्ट्रीम स्ट्रोक वाला, जस्ट उस इफेक्ट के बाजू में आएगा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना इस तरीके से। एडजस्ट में क्लिक करेंगे, अब इसकी स्पीड है दोस्तों इसको थोड़ा आप स्लो कर देंगे और इसकी रेंज थोड़ी बढ़ा देंगे ताकि अपनी फोटो में बहुत ज़्यादा दिखे, ठीक है। ये कर देंगे और यहाँ से टिक पे क्लिक कर देना है इस तरीके से। ये करने के बाद दोस्तों अब इस इफेक्ट की लेंथ आप एकदम लास्ट तक कर देंगे जहाँ तक आपका साउंड है, ठीक है। ये कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों अब इस अपन को ऐड करना है कॉपी और शेयर वाला जो आईफोन में आता है, ठीक है। तो ये करने के बाद जो जस्ट आपका फोटो में अपने स्प्लिट किया ना वहाँ पर आपको आ जाना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल इफेक्ट्स के बाजू में ओवरले, इसमें आपको करना है क्लिक। ऐड ओवरले में आ जाएंगे, फोटो वाले ऑप्शन में आ जाना है दोस्तों। यहाँ कॉपी शेयर वाला एक PNG का, इसको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो भाई इसको भी वहाँ से सेव कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड में क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा ऊपर। इसको थोड़ा छोटा करके अपनी फोटो के यहाँ ऊपर लगा देंगे, जहाँ भी साइड भी आपको लगाना इस तरीके से ये लगा देंगे। इसकी लेंथ आप एकदम लास्ट तक कर देंगे जहाँ तक आपका साउंड आता है, ठीक है। ये कर देंगे। ये करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी वीडियो बन के एकदम रेडी हो गया है। तो एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी वीडियो कितनी अच्छी बन जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। ऊपर आपको एरो में क्लिक कर देना है, यहाँ से आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों वीडियो में लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल में क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।